हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चल रही है क्लास मैथ्स की, क्लास 11th कम जेई कम एनडीए, ओके। और टॉपिक चल रहा है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री में हमने एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, एनसीईआरटी तो हमारी पूरी हो चुकी है, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन चल रही है, कंटिन्यू कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और आज हमें मेनली करने हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि इस पूरी बुक का एक तरीके से एंड होने जा रहा है। केवल हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बचे हुए, बाकी सारा कुछ हमने कर लिया है, ऑब्जेक्टिव कर लिए, सब्जेक्टिव 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क कर लिए हैं, लास्ट आज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से टेस्ट क्वेश्चन से। तो चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन क्या, देखिए, इफ एक्स sec x cos 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है एंड x इज बिटवीन 0 to π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए स्टार्ट कीजिए, ओके। क्वेश्चन का लेवल जो है फुल टू एनडीए लेवल का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है, करिए, ओके गाइस। तो ये है इसका सॉल्यूशन, इसके पहले भी मैंने बता रखा है इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आप मैच कर लीजिए, π/6 एंड π/4 सिंपल तरीके से है। आप इसको एडजस्ट करके इसमें फार्मूला ओपन कर दीजिए, फिर 1 to 1 इनको एक एक करके कंडीशन सेटिस्फाई कराइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस से भी ऊपर, यानी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, क्या कह रहा है, इफ एक्स कॉस थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा 2π/3, थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू जेड कॉस थीटा इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये अल्ट्रा हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स से भी ऊपर अल्ट्रा हॉट्स क्वेश्चन है। इसको करने के लिए कुछ पैटर्न आपको पता होने चाहिए, जेई के क्वेश्चन में कुछ निश्चित पैटर्न जो होते हैं ना, आपको वो आने चाहिए। जैसे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए आप एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को लिख सकते हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये लिख सकते हो आप बड़े आराम से, मल्टीप्लाई करके देख लो। 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, वाई जेड बच जाएगा। वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स जेड बचेगा। फिर जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचा कि नहीं बचा। तो सबसे पहले तो आप लोग बच्चों ये वाली लाइन नोट कर लो कि नोट दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z लिख लिया है। अब देखो आपको चाहिए क्या, आपको यही चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, आपको यही चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो आप सबसे पहले आप x निकालो, y निकालो, z निकालो, कैसे निकालोगे, आप कैसे निकाल पाओगे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो सबसे पहले आप जो है देखो कैसे करोगे, आप x की वैल्यू इसको इक्वल k के इक्वल ले लो, ये जो तीनों एक्सप्रेशन आपको दी गई थी क्वेश्चन में देख लो, ये देखो ये तीनों एक्सप्रेशन इक्वल में थी ना, इसके इक्वल में क्या बैठा लो k, क्या बैठा लो k। अब x को रोकोगे तो k के नीचे क्या आ जाएगा, k अपॉन cos थीटा। देखो x cos थीटा इक्वल टू k है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, k अपॉन cos थीटा। फिर y इंटू cos थीटा प्लस 2π/3 है, तो k अपॉन cos थीटा प्लस 2π/3 एंड z अपॉन cos थीटा प्लस 4π/3। ये आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्या आ गई एक्स वाई, अगर ये एक्स ही है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/x, तो 1/x कितना हो जाएगा cos थीटा अपॉन k, cos थीटा अपॉन k। इस तरीके से 1/y कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस 2π/3 अपॉन k एंड 1/z कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस 4π/3 अपॉन k, क्लियर है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 1/k आपको कॉमन ले लेना है, 1/k आपको क्या लेना है कॉमन, और 1/k आप जब कॉमन लेंगे तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखते जाइए इसको आप सॉल्व करेंगे। तो 1/k cos थीटा, फिर इसमें फार्मूला लगा दिया cos a प्लस बी, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, और फिर से इसमें cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया cos थीटा माइनस 1/2 माइनस √3/2 2π/3, मतलब कितना
रूट थ्री बाई टू साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू फोर पाई बाई थ्री मतलब माइनस का वन बाई टू, और रूट थ्री बाई टू साइन फोर पाई थ्री मतलब रूट थ्री बाई टू साइन थीटा, ये सारी वैल्यूज रख दी है। डोंट वरी, अभी मैं करवाऊंगा इसको तो आपको सारी वैल्यूज आएंगे। इक्वल टू वन अपॉन के, वन अपॉन के, ये सारा का सारा हो गया। देखो ध्यान से कैंसिल हो रहा है, ये रूट थ्री बाई टू कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और कॉस थीटा से कॉस थीटा, एक मिनट यहाँ पे, अच्छा ये दोनों माइनस थे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये वाले कॉस को कैंसिल कर देंगे, तो कितना हो गया, अंदर की पूरी चीज़ कैंसिल हो गया, बचा कितना, जीरो। तो वन अपॉन के इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। वन अपॉन के इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे आपके पास में वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, ये जो वैल्यू हुई थी क्या होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आप यदि इसको सॉल्व कर दो, वन अपॉन एक्स और वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड को, तो यदि सॉल्व करते जाओ तो नीचे देखो कितना आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और एक्स वाई जेड इधर पे क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना, जेड एक्स प्लस कितना, जेड एक्स। तो अब देखो आपके पास ये राइट पार्ट कितना आ चुका है, जीरो आ चुका है, कितना आ चुका है, जीरो अपॉन में एक्स वाई जेड। तो यदि यहाँ पे आप यदि इसको जीरो से इक्वेट करोगे जो कि वैल्यू है, तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल निकल के क्या आएगा, जीरो के, किससे निकल के आएगा, जीरो के, क्योंकि आप यहाँ पे ये वैल्यू डालोगे ना भाई, इसको सॉल्व करके ये डालोगे, तो ये डालने के बाद फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू जीरो हो चुका है, तो न्यूमरेटर किसके इक्वल होगा, जीरो के, तभी तो वैल्यू जीरो होगी। ओके, तो ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अब वन बाई वन इसको अपन को एक एक लाइन करके करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करना। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए फुल फ्लैश जेई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना, फुल फ्लैश जेई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, दिमाग को घुमा के रख देगा। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ थीटा इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अगर थीटा है जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहले क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, बाद में लिखिएगा। इफ थीटा इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मतलब थीटा के दो पार्ट हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा, समझो भाई साहब, मतलब दो थीटा कोई एंगल था, ये थीटा मान लो यहाँ तक कोई एंगल था थीटा, इसके दो पार्ट कर दिए, नीचे वाला अल्फा और ऊपर वाला बीटा। क्या कह रहा है, सच दैट द टेंजेंट ऑफ द वन पार्ट, टेंजेंट ऑफ द वन पार्ट, एक पार्ट का टेंजेंट, तो एक पार्ट कौन है, अल्फा का टेन, अल्फा का टेंजेंट इक्वल टू के टाइम्स द टेंजेंट ऑफ द अदर पार्ट, यानी कि दूसरा पार्ट का के गुना है, दूसरे पार्ट का के गुना है, एंड फाई इज देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना है, फाई, किनका, एंगल का, है ना, किसका, एंगल का डिफरेंस कितना है, फाई, तो शो करना है साइन थीटा इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन साइन फाई, उनका डिफरेंस फाई है, तो आपको ये शो करना है। देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहली बात क्या दिया, अल्फा थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा इक्वल टू के टेन बीटा, ये देखो दे रखा है टेन अल्फा इक्वल टू के टेन बीटा, साथ ही साथ, तो भाई यहाँ से देखो हमको कहाँ जाना है, साइन थीटा साइन फाई में लेके आना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को किस में लेके आना है, साइन थीटा में और साइन फाई में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, तो टेन थीटा आपको पता है टेन अल्फा इक्वल टू के टेन बीटा है कि नहीं है, तो टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इक्वल टू कितना हो गया, के अपॉन वन। ओके, अब इसके बाद लगा दीजिए कंपोडेंडो डिविडेंडो, क्या लगा दिया आपने, कंपोडेंडो डिविडेंडो, ठीक है ना, यस। एक और रिलेशनशिप यहाँ पर इन लोगों ने लिखी नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ भाई, अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम तो इसने दे रखा है थीटा, और दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है, फाई, कितना है, फाई, मतलब अल्फा प्लस बीटा थीटा है और अल्फा माइनस बीटा कितना है, फाई है, ठीक है ना। तो जहां पर अल्फा प्लस बीटा आएगा वहां अपन थीटा रख देंगे, और जहां अल्फा माइनस बीटा आएगा वहां पर क्या रख देंगे, फाई रख देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो कंपोडेंडो डिविडेंडो लगा के टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा के प्लस वन के माइनस वन, टेन अल्फा को खोल लिया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टेन बीटा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, तो ये सॉल्व करके अपन का आ गया, जैसे अपन ने पहले भी किया था, कॉस बीटा कैंसिल हो जाता, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आ गया हमारे पास। ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास में साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या बन रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। अब आपको पता है जो मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा कितना है थीटा, और अल्फा माइनस बीटा कितना है फाई, तो साइन थीटा अपॉन साइन फाई इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, तो इस चीज को ऊपर ले जाइए, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, के प्लस वन अपॉन के माइनस वन साइन फाई, ठीक है। चलिए इसको एक बार करते हैं कॉपी में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके, चलो कॉपी में करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में आ चुका है, एनडीए में भी कई बार पूछा गया है,
क्या क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्व अंडर रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू। देखो भाई याद आया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कितना है रूट थ्री है, बी कितना है टू है, बी वन है, वन है, यस। तो मैंने बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और ये हो गया वन, मतलब रूट थ्री प्लस वन हो गया फोर, का रूट कितना टू, तो मतलब टू का डिवाइड इधर भी करोगे और टू का डिवाइड इधर भी करोगे, कर देंगे ना टू का डिवाइड टोटल में। अब देखो टू में बांट दिया तो इसके नीचे भी टू, इसके नीचे भी टू और इसके नीचे, ये क्या हो गया भाई, उधर था रूट टू, नीचे अपॉन में गया टू, तो रूट टू को क्या लिख सकते हैं, दो बार रूट टू, एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बन गया वन बाई रूट टू। ओके अब इसका फॉर्मूला आपको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करोगे, क्या रूट थ्री बाई टू को आप कॉस पाई बाई सिक्स लिख सकते हो, बेशक लिख सकते हो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या पैटर्न बनता, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस पाई बाई सिक्स माइनस थीटा, कॉस पाई बाई सिक्स माइनस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई फोर। ओके अब भाई एक काम करो, आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ माइनस थीटा के इक्वल होता है, मतलब माइनस साइन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे कॉस पाई बाई सिक्स माइनस थीटा का माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई सिक्स, और माइनस साइन का कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा इक्वल टू पाई बाई फोर। आपको पता है फॉर्मूला सोल्यूशन क्या होता है ना, आदत क्या बच्चों की, सीधे इसको उठा के सॉल्व कर देते, नहीं करना मना किया ना, है ना, क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस टू एन पाई, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस डम डम, बोलो हाँ है ना, सब कुछ होता कि नहीं होता, तो आंसर सॉल्व करता हूँ मैं आपके लिए, इसके लिए क्या कैसे सॉल्व होगा, थीटा इक्वल टू टू एन पाई, थीटा माइनस पाई बाई सिक्स, सॉरी थीटा माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, बोलो हाँ है ना, पाई बाई सिक्स उड़ करके यहाँ चला जाएगा तो क्या बन गया, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स, बोलो क्लियर है। अब चलो भैया इसके अपन सोल्यूशन लिखते हैं कि इसके सोल्यूशन, हालांकि यहाँ पर इसने कोई इंटरवल तो दिया नहीं, तो जिंदगी यहीं पर मजे में आ गई है, यही इसका आंसर होगा, बोलो यस कि नो, यस और नो। चलिए अब बाकी इसका सोल्यूशन और निकालना है तो कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो एक बार टू एन प्लस पाई बाई फोर को प्लस ले लिया तो ये बन गया, और माइनस लेने पर ये बन गया, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट आंसर है। फिर क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो ये आ गया, और इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो ये आ गया, तो ये इसने दो पार्ट में आंसर लिख दिया, मतलब आंसर ये और ये दोनों हैं, दोनों सॉल्व करने के बाद, बाकी चाहो आप तो यहीं तक भी छोड़ सकते हो, जनरल सोल्यूशन यही है, क्लियर हुआ। चलिए तो जल्दी से इसको एक बार कॉपी में कर डालिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इफ कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू एम साइन थीटा माइनस फाइव देन प्रूव दैट वन प्लस एम वन माइनस एम इक्वल टू कॉट फाइव। भाई साहब फिर से कंपो डिविडेंडो का क्वेश्चन है, क्योंकि एम प्लस वन एम माइनस वन कहाँ बनता है, कंपो डिविडेंडो में ही बनता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप अभी कह रहे थे कि सर हमेशा ऊपर वाले को जोड़ना ही है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, ऊपर वाले को माइनस भी कर सकते हो, नीचे वाले को प्लस कर सकते हो, जब ऊपर वाले को माइनस किया है हाँ इसके हिसाब से तो बेटर है। अब देखो आपको क्या बनाना है, वन प्लस एम बनाना है, क्या बनाना है वन प्लस एम, तो मैं कहूँगा आप रूल दस रूल मत याद रखो, एक रूल याद रखो, एक रूल याद रखोगे तो आपको बढ़िया रहेगा, है ना। आपको वन प्लस एम बनाना है, वन माइनस एम बनाना है, तो आप एक काम करिए आप इसको पलट लीजिए पूरा, तो ये हो गया कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इक्वल टू हो गया कितना, वन अपॉन एम। अब देखो आपको 1 प्लस m चाहिए है और 1 माइनस m चाहिए, तो एक बार इसको प्लस कर दो नीचे वाले को और एक बार नीचे वाले को क्या कर दो माइनस, पलट करके, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप इसको पलट लीजिएगा तो आपका 1 माइनस m ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस m नीचे आ जाएगा, समझे आप मेरी बात को। अभी आप इसमें रूल लगा लीजिए, हाँ दोनों को पलट देंगे तो अभी जैसे फिलहाल रूल लगाओगे आपके पास तो ऊपर बनेगा 1 प्लस एम और नीचे बनेगा कितना 1 माइनस एम, फिर इधर भी पलट देना उधर भी पलट देना तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एम और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एम, तो माइनस वाली पार्टी ऊपर रहेगी, तो ये देखो माइनस वाली पार्टी ऊपर आ गई और प्लस वाली पार्टी कहाँ चली जाएगी नीचे। फिर इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो ये वाला, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके एंड कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, काटाकूटी कर दो, ये देखो बहुत ही सिंपल हो गया, ये कॉस है ये साइन है, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया टेन थीटा, और नी ऊपर साइन है ये है, ये क्या बन गया टेन फाई इक्वल टू वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम, तो आपको निकालना क्या टेन थीटा की वैल्यू, तो इधर चला जाएगा सारा मामला, आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी में लगा डालो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, ओके जेईई लेवल का क्वेश्चन है,
ठीक है ना। देखो जेई लेवल के क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं मैंने एनडीए लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि एनडीए के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एकदम वन लाइन सिंपल टाइप कंसेप्ट के होते हैं, बट जहां उलझे पुलझे कंसेप्ट लगे होते हैं ना वहां एनडीए में नहीं आता क्वेश्चन। एनडीए का क्वेश्चन एकदम सीधा सिंपल आता है, मगर जेई के क्वेश्चन बहुत आड़े टेढ़े होते हैं, तो ये आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहूंगा जेई लेवल का है। चलो फटाफट कर डालो कॉपी में। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3 sin 4 3π/2 - α साइन की पावर 4। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, देखते ही बिल्कुल मतलब टूट पड़ा एकदम मन इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 3π/2 - α यानी कि 270° - α 4 लगी है, क्या होता है कोई दिक्कत नहीं है। और पावर 4 है मतलब क्या आएगा, कॉस की पावर 4 अल्फा, क्योंकि माइनस आए प्लस आए पावर 4 तो पावर 4 है, इसमें तो साइन अल्फा आ जाएगा। ये देखो भाई साहब तो साइन की पावर 4 अल्फा आ जाएगा, ओके। ये देखो 6 है पाई बाई टू, तो कॉस की पावर 6 अल्फा आ जाएगा, और साइन की पावर 6 5π - α है, ओके 5π - α तो पावर 6 है तो वही अल्फा साइन अल्फा ही आ जाएगा, साइन की पावर 6 अल्फा। चलो देर नहीं लगाओ, जल्दी से सॉल्व कर डालो बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन है, मतलब ये तो सिंपल एकदम क्वेश्चन है, ठीक ना। CUET लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनडीए में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, इजी क्वेश्चन है बहुत। चलिए भाई अगला क्वेश्चन मैं कहूँगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आता है, ओके। एनडीए जेई लेवल का क्वेश्चन है, आइए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। इफ ए कॉस 2θ प्लस बी साइन 2θ इक्वल टू सी एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, देन प्रूव दैट 10α प्लस 10β इक्वल टू दिस। करना क्या है, पूरी पिक्चर को 10 की फॉर्म में ले जाइए, 10 की फॉर्म में ले जाने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं यदि 10α और 10β, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a। तो यदि ये इक्वेशन 10 की फॉर्म में है और अगर इसके थीटा के दो रूट 10α और 10β है, तो 10α + 10β = -b/a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करिए स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पहले करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनडीए कैटेगरी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5cos²θ + 7sin²θ - 6। ऐसे क्वेश्चन बहुत करें, तो क्वेश्चन को हम किसकी फॉर्म में लेके आते हैं, कॉस की फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos²θ करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन को, ओके गाइस। तो ये क्वेश्चन इजी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए, ओके मस्त क्वेश्चन, एनडीए कैटेगरी का जेई कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x - 3 sin 2x + sin 3x = cos x - 3 cos 2x = cos 3x। क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट पार्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को साथ में लेकर के, क्यों, क्योंकि x + 3x/2 कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और राइट पार्ट में भी आपको ये दोनों को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपने आप सॉल्व होता जाएगा, कुछ कुछ कॉमन हो जाएगा और अब सॉल्व होता जाएगा। चलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, स्टार्ट लीजिए इसमें, प्लीज़ क्वेश्चन लिखिए सॉल्व कीजिए।